नगीना से कालाखेड़ी रोड पर हाईवे के पुल के नीचे दिनदहाड़े अज्ञात तीन बदमाशों ने एक व्यक्ति से रिवॉल्वर दिखाकर 2,14,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शादाब पुत्र समील अहमद नैनपुरा गांव में बैंक की मिनी शाखा चलाता है। सुबह उसने पंजाब नेशनल बैंक नगीना से लगभग 12 बजे अपने खाते से 2,14,000 रूपये निकालकर जब वह नगीना से कालाखेड़ी मार्ग पर जा रहा था तो रास्ते में आईटीआई कॉलेज के पास हाईवे पुल के नीचे तीन अज्ञात बदमाशों ने उसे घेर लिया और उसे रिवॉल्वर दिखाकर 2,14,000 रूपये से भरा बैग उससे छीनकर फरार हो गए। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौका ए वारदात पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। है? नाम क्या तुम्हारा? मोहम्मद सादा। वालिद का नाम क्या? समील अहमद। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? मैं बैंक से पैसे लेकर आ रहा था जी, 1,00,000 रूपए। हाँ। तीन बदमाश आए, मेरी गाड़ी पे लात मारी। हाँ। पिस्टल दिखाई मुझे, मेरे ऊपर लट बजाए और मेरा बैग छीन के भाग गया और मेरी गाड़ी चार दिन। किधर भागा है? किधर भागा? साइड भागा है सीधा। कौन से बैंक से पैसे लिए थे? पंजाब नेशनल बैंक से। नगीने से आ रहे थे? नगीने से।